नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक डोगरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। रामपुर आजम खान के मीडिया प्रभारी का बयान, सपा प्रमुख को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। मुख्यमंत्री योगी जी ने सही कहा था कि अखिलेश यादव ने आजम खान की बलि दे दी है। सपा दफ्तर पर आजम समर्थकों से बात कर रहे थे फसाहत अली खान शानू। अखिलेश आजम खान से मिलने जेल भी नहीं गए। 111 विधायक हमारी वजह से आए, मगर अखिलेश फिर भी हमारे नहीं हुए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से बदबू आती है। हम सियासी रूप से यतीम हो गए हैं। हम कहां जाएं, किससे अपना गम बयान करें। हमारे साथ तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, जिनके लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया, वो ही हमारे नहीं हुए। शानू ने कहा कि वोट भी अब्दुल्ला देगा और जेल भी अब्दुल्ला जाएगा। क्या सारा ठेका अब्दुल्ला ने ही लिया हुआ है? अखिलेश सिर्फ एक बार जेल में आजम खान से मिलने गए, दोबारा जेल गए तक नहीं। क्या मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कहते हैं कि अखिलेश नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए? आपने भाजपा से हमारी दुश्मनी करा दी, सजा हमें मिल रही है और मजे आपको मिल रहे हैं। ये कहना है आजम खान के मीडिया प्रभारी फैसल खान का। मुरादाबाद से मुबश्शर अली की रिपोर्ट, प्राइम 80 न्यूज। और ये तेलंगाना है कि हम कल भी एक थे, आज भी एक है। मौसम का है, सर्दी का हो, बरसात का हो, गर्मी का हो, जैसे भी बुरा हो, हम सब साथी एक साथ थे, एक साथ थे और एक साथ ही चलना था। मैं आप सबसे ये दुआ की अपील भी करने आया हूं, अपील करता हूं इस रमजान के मदद करने में आप सब लोग अपने अल्लाह से लड़ा कर ये मांग कर, ये दुआ कर कि अल्लाह हमारे भाई बहनों वाले जिला मोहम्मद आलम का साथ कर, हमारे लोग साथी जो जेलों में है उनको रिहा कर, हमारी परेशानियों को खत्म कर। मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, मैं यकीन हूं, लेकिन आजम खान साहब के रामपुर में नहीं होंगे। एक तरह से हमारा शहर में राजनीति रूप में होती है। कहां जाए, किससे कहें, किसको अपने दिल अंदर